नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर फेसबुक पे किसी भी पर्सन का प्रोफाइल लॉक है और उसका आप इमेज वगैरह देखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप कैसे देखेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको फेसबुक गूगल क्रोम पे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपका जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रोम मेरा यहाँ पर ओपन हो गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ facebook.com। ठीक है, google.com की जगह facebook.com यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यह facebook.com मैंने यहाँ पे लिखा और ये मेरा यहाँ पे फेसबुक ओपन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई एक पर्सन को ढूंढते हैं जिसका प्रोफाइल लॉक हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे उस पर्सन को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ प्रतिमा कुमारी। ठीक है, मैंने कोई जनरल नाम ले लिया। ठीक है, मैं इसे जानता नहीं हूँ कोई भी। ठीक, मैंने इस पर टैप किया और इसका प्रोफाइल देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिमा लॉक्ड हर प्रोफाइल। ठीक है, इसने अपने प्रोफाइल को लॉक किया हुआ है और जब आप इसके इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसका इमेज ना जूम होगा ना ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है कि हर प्रोफाइल लॉक। ठीक है, तो देखिए इसे अब हम देखेंगे, इसका इमेज वगैरह जो भी है ये हम सब देख सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे m.facebook.com बाकी जो भी आगे URL है, ठीक है, यहाँ पे आपको m के आगे जस्ट बेसिक लगाना है। ठीक है, mbasic.facebook बाकी जितना है आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, तो हम URL को थोड़ा सा एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हम यहाँ पे टैप करेंगे। ठीक है, हम इस एरिया में टैप करेंगे। मैंने यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे देखिए एक पेन का साइन आया हुआ है। ठीक है, इस पेन के साइन पे हम जस्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे URL को एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे इधर आएंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था एम बेसिक लिखना है। ठीक है, तो इस कर्सर को हम यहाँ पर लाते हैं। मैंने कर्सर को यहाँ पर लाया और एम बेसिक BASIC। ठीक है, SIC मैंने ये चीज़ लिखा, एम बेसिक लिख के मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक जो है वो आपका बेसिक वर्जन में ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फेसबुक हमारा बेसिक वर्जन में ओपन हो गया। प्रोफाइल जो कि इसका अभी भी लॉक है लेकिन अब हम इनके पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक, कैसे देखेंगे, जो भी पिक्चर हमें देखना है, मान लीजिए हमारे इसका प्रोफाइल पिक्चर है तो आप सिंपली इस पर टैप करके कुछ देर रखिए। ठीक है, कुछ देर रखेंगे तो आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप इमेज को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दो टैब बन गया है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। बाकी जो डाउनलोड टैब है इस वाले टैब पर जाता हूँ। देखिए सब इमेज अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे इसके पीछे बैकग्राउंड में जो बैनर है, बैनर को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे इसे टैप करके रखेंगे। ठीक, यहाँ पर कुछ देर टैप करके रखना है। टैप करके रखने तो यहाँ पे आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं या आप देख भी सकते हैं या किसी को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर इमेज को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए इमेज को डाउनलोड किया, ये हमारा इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गया है और मैं इसे यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, ये इसका इमेज है। ठीक, आप इस प्रोसेस के थ्रू आप फेसबुक के किसी भी प्रोफाइल पे जाके जिसका प्रोफाइल लॉक है आप उनके इमेज को देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। या आप उनके प्रोफाइल को देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल ऑप्शन आ जाता है, आप इनके प्रोफाइल को यहाँ से विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा प्रोफाइल तो नहीं दिखेगा लेकिन जो भी चीज़ें दिख रही है आप उसे क्लियरली देख सकते हो बेसिक वर्जन में। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।